वेलकम टू लाइफ फॉर सेंस और मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ क्लो में स्मोकिंग कैसे करते हैं। अब तक आपने अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें लाइफ फॉर सेंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2D विंडो में चलते हैं और हम लेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में फर्स्ट जो हमारा मेजरमेंट होगा वो होगा 22 and 8। ये हमारा अपर बॉडी के लिए स्मोकिंग के लिए पार्ट रेडी हो गया, ठीक है। अब हम न्यू स्क्वायर लेंगे जो कि हमारे लोअर बॉडी के लिए होगा, तो उसका मेजरमेंट हम लेंगे 26 एंड आई थिंक 22 इक्वल होना चाहिए आपके अपर बॉडी से, और लोअर बॉडी को हम ले लेंगे 20। आप मेजरमेंट अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बस अब जो ऊपर का हमारा लाइन है वो हमारे अपर बॉडी से मैच करना चाहिए, लाइक 22 ही होना चाहिए। उसके बाद हम इसे कंट्रोल सी और कंट्रोल डी करते हैं ताकि एक एक में अगर हम इंटरनल लाइन देंगे तो दूसरे में वो खुद आ जाए। तो इंटरनल लाइन हम देंगे 0.5 पर और 8 इंच का है तो 16 लाइंस देते हैं। इन लाइंस में हम इलास्टिक डालेंगे। ये जो नीचे का लाइन है आई थिंक ओवरलैप हो रहा है, तो आप 15 लाइंस ही दोगे तो हो जाएगा। आप शिफ्ट को प्रेस करते हुए सारे लाइंस को सिलेक्ट करते हैं। हम सिलेक्ट करने के बाद ऊपर और नीचे वाले लाइन को भी सिलेक्ट कर लेंगे और हम जाएंगे प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी में इलास्टिक को ऑन करेंगे और रेशियो में हम 60 डालेंगे। अब हम 3D विंडो में जा करके अपने पैटर्न को सेट करते हैं। पैटर्न को सेट करने के बाद ओवरलैप नहीं हो कोई भी पैटर्न, ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। जिस तरीके से भी आपको एडजस्टमेंट चाहिए आप एडजस्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद हम स्विंग करेंगे, स्टिचिंग देंगे। स्टिचिंग ध्यान रहे फ्रेंड्स, स्ट्रेट होना चाहिए, अदरवाइज गार्मेंट ट्विस्ट होने लगेगा। ये मैंने स्टिचिंग दे दिया, अब इसे सिम्युलेट करते हैं। सिम्युलेट करने पे ये जो नीचे की तरफ गिर रहा है उसे कैसे सेट करते हैं देखिए। हम जाएंगे 3D के पिन बॉक्स में और फिर 2D में आकर उसके फर्स्ट लाइन को पिन कर देंगे। ये फर्स्ट लाइन को मैंने पिन कर दिया है, अब सिम्युलेट करती हूँ। इसमें आपको स्मोकिंग का इफेक्ट देने के लिए इसके डिस्टेंस पार्टिकल डिस्टेंस को जा करके 5 to 8 कहीं भी दे सकते हैं, मैं इसे 5 दे रही हूँ, ठीक है। मैं इसे 5 रखती हूँ और एंटर प्रेस करेंगे और फिर से जाएंगे हम 3D विंडो में और जो पिन हमने दिया है उसे राइट क्लिक करते हुए डिलीट ऑल पिन्स करेंगे। डिलीट ऑल पिन्स करने के बाद सिम्युलेट फिर से एक बार करेंगे। ये देखिए अब हमारा स्मोकिंग इफेक्ट आ चुका है। स्मोकिंग इफेक्ट थोड़ा सा कम मुझे लग रहा है, तो मैं इसे सिम्युलेशन इसका स्टॉप करती हूँ वापस प्रेस करते हुए सिम्युलेशन पे, और वापस हम इसके प्रॉपर्टी में जाएंगे। ये देखिए इफेक्ट कुछ कम लग रहा है आई थिंक,
लाइंस को वापस से सेलेक्ट करेंगे और मैं इसके इलास्टिक रेशियो को 40 कर रही हूँ। एंटर प्रेस करूँगी और 3D में जा करके इसे एक बारी सिम्युलेट कर दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, आ गया स्मोकिंग इफेक्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैं लेकर आती ही रहूँगी आपके लिए। थैंक यू।